वेलकम बैक इन माई चैनल। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। और गाइज, आज का जो मेरा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी एडवेंचर होने वाला है। लोगों का बहुत डिमांड था कि एक रियलमी का फ़ोन आया हो जो कि रियलमी ब्रांड नार्जो A50, उसका भी वीडियोज भाई आप बनाइए, वीडियो बनाइए बनाइए। तो मैंने आज फाइनली उस फ़ोन को ले लिया है। और देखिए दोस्त बच्चों, मैंने आज फाइनली उस फ़ोन को ले लिया है और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ और इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। आप देख सकते हैं रियलमी नार्जो 50A, जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम कीमत में काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल रहा है। और मैंने जो इसका कलर भी लिया वो स्काई ब्लू एक ब्रांड है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा लगता है आपको देखने में। तो भाई, अभी मेरा भाई जो था वो लेकर आया था, तो हम इसको रखे हुए थे दूसरे रूम में। तो अब चलिए, अब इसका मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर का फीचर्स क्या क्या है और कैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इस बॉक्स को ओपन करने वाला हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा कैसा फीचर्स और कैसा कैसा चीज़ इसके अंदर है और क्या चीज़ दिया हुआ है। मतलब जितना शोर है मार्केट में इसका उतना है या नहीं, मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस दी बेल आइकन। तो फाइनली मैं अभी इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक जो कि फ़ोन पैकिंग है। और फिर मैं उसके बाद देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ फीचर्स। और ये इसका जो बिलिंग कागज़ है वो बिलिंग कागज़ है, आप देख सकते हैं ये बिलिंग कागज़। और ये जो हुआ इसका एक गारंटी कागज़ होता है जो कि सभी सेट के अंदर दिया रहता है। और सेम चीज़ वही वो ये भी है जो कि इसके अंदर फंक्शनिंग दिया रहता है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या वर्जन आएगा, कब कब इसका वर्जन आएगा अपडेट के लिए। और गाइस फाइनली मैं देखूँ इसमें कवर भी है तो नहीं, इसमें ये कहते हुए कवरलेस फ़ोन है, इसमें कवर नहीं दिया हुआ है। और एक ये यहाँ पे दिया हुआ है जो कि जिससे कि सिम निकाला जाता है, और सिम डालने के लिए एक पिन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, स्मूथ टाइप का है। और गाइस सबसे अच्छा, और ये देखिए, चौबीस 240 वोल्ट का आप देख सकते हैं। इसमें एक चार्जर दिया हुआ है जो कि सी टाइप पोर्टेबल है। और हाँ, एक इसमें थोड़ा सा कमी ये चीज़ दिया हुआ है कि ये फास्ट चार्जर नहीं है, ये नॉर्मल चार्जर ही है, बट सी टाइप का चार्जर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एक सी टाइप का केबल जो कि कलर भी काफ़ी अच्छा वाइट कलर का। और इसलिए आजकल जितने भी चार्जर आ रहे हैं सारे वाइट कलर नहीं आ रहे हैं। और 240 वोल्ट का ये चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है, ये स्लो चार्जर ही है। और सी टाइप का चार्जर दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या है, और भाई साहब इसके अंदर और कुछ तो नहीं है। और मैं बात कर लूँ फ़ोन की तो मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। वाओ, आप देख सकते हैं ये स्काई ब्लू कलर जो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी एक लोगों के दिल में ये सिर्फ कलर की वजह से छाया हुआ है। और गाइज मैं इसका अगर फंक्शन की बात करूँ, देखिए पार्ट वन ECM 60-950 वेरियंट का ये फ़ोन है और पार्ट थ्री है ये जो कि, और इसमें देखिए आप ट्रिपल कैमरा के साथ ये फ़ोन है। और एक LED फ्लैश और एक फिंगरप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए रियलमी का जो लोगो होता है वो शायद इसमें अभी नहीं, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे नार्जो का जो होता है शायद आपको दिख पा रहा है कि नहीं, ब्लैक कलर का है, यहाँ पर लिखा हुआ है नार्जो। और ट्रिपल कैमरा, एक फ्लैश, और यहाँ पर एक बटन वैल्यूम वाला है कॉम माइनस प्लस, और ये एक लॉक सिस्टम बटन। और गाइस यहाँ पर सिम वाला सिस्टम जो कि दिया रहता है। और मैं इसके अगर फंक्शन की बात करूं तो आपको दिखा दूं कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेटिंग में, अबाउट फ़ोन। तो इसके अंदर देखिए नार्जो 50A का जो वो होता है डिवाइस वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्जन का मैं बात करूं तो बेस्ट बैंड कर्नल वर्जन दिया हुआ है, रियलमी E1 वर्जन 2V 2.0, एंड्रॉयड वर्जन 1.11 है जो कि काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो G85 हेलियो प्रोसेसर है। रैम की मैं बात करूँ तो 4GB रैम। डिवाइस स्टोरेज की मैं बात करूँ तो 64GB है और आप इसे 256GB एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। और लीगल इन्फॉर्मेशन, यूजर एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड मोर। और मॉडल RMX 3430 मॉडल होता है ये, जो कि एक फ़ोन में सभी में आते हैं। और डबल सिम है इसमें, सिम वन सिम टू दोनों 4G है, और 5G भी लेस है इसमें। और स्टेटस EMI, IP और रेगुलरिटी जो एंड्रॉयड वर्जन होता है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं अगर इसके कैमरा क्वालिटी की बात कर लूँ और जो जो फंक्शन इसमें दिया रहता है वो आप देख सकते हैं, क्रोम व्रोम व्हाट्सअप। और अगर मैं इसके कैमरा क्वालिटी की मैं बात कर लूँ तो आप कैमरा क्वालिटी भी देख सकते हैं इसका।
मैं जूमिंग की बात करूँ तो इसमें 50 मेगा पिक्सल कैमरा का जूमिंग दिया हुआ है जो कि काफ़ी नज़दीक, और देखिए पोर्ट्रेट मोड भी दिया हुआ है, और इसके अंदर देखिए कैमरा नाइट विजन भी दिया हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, और 8 घंटा तक आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं। और फोटो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड, 50 मेगापिक्सल और मोर में एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्लो मोशन में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, टाइम लैप्स भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पैनोरमा का भी ऑप्शन दिया है, और अल्ट्रा माइक्रो का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और मैंने अभी इससे फ़ोटो भी सेल्फी भी लिया है, आप देख सकते हैं, जो कि मतलब कि काफ़ी अच्छा, और जूमिंग भी काफ़ी अच्छा है इस फ़ोटो का है, जो कि मैंने खुद का अपना ही फ़ोटो खींचा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें फ़ोटो फीचर्स भी दिया हुआ है। और मैं अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ, और गाइस भाई साहब अगर डॉल्बी स्पीकर के साथ ये दिया हुआ है, ईयरफोन का भी एक यहाँ पे देखिए चार्जर का टाइप, और ये दो चीज़ क्या दिया रहता है, सेंसर टाइप है मुझे नहीं पता, और स्पीकर में 4 छेदा भी दिया हुआ है। और मैं अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ, 4 64 GB रैम और 64 GB इसका मेमोरी इंटरनल मेमोरी जो कि दिया हुआ है, इंटरनल मेमोरी 64 GB और 4 GB रैम दिया हुआ है। और मैं इसके अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो वह है कि इसका बैटरी बैकअप, हाँ, हेलियो G90 प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर है, जिससे कि पे कि मैं आप मतलब लगातार इससे 9 घंटा गेम जो है वो खेल सकते हैं। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा के साथ वो दिया हुआ है, 18 वाट का क्विक चार्जर, 240 वोल्ट का क्विक चार्जर और 18 वाट का क्विक चार्जर दिया हुआ है इसमें। और बैटरी बैकअप इसका देखिए 6000 mAh का बैटरी है, मेगा बैटरी पावर है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बना जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ये बैटरी टिकाऊ भी रहता है। अगर आप केवल फ़ोन उठाएंगे काटेंगे तो इस फ़ोन को आप कम से कम 56 दिन तक चला सकते हैं। और गैस जो भी इसमें दिया हुआ है, हाँ देखिए LTE मोड ब्रांड भी दिया हुआ है, LTE LTE D तीनों जो इसके दोनों सिम है वो LTE D है, और GSM सेटिंग है, नेटवर्क सेटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। और बस अगर मैं बात करूँ इसके इस सेंसर का, तो काफ़ी अच्छा इसका जो बटन लॉक और ऑन करने वाला है वो काफ़ी फास्ट है, मेरे पास लो काफ़ी फास्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये चमचमाता हुआ फ़ोन आप में से किसी एक लक्की व्यूअर को मिल सकता है, तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस स्काई ब्लू जो कि कलर काफ़ी फेवरेट और काफ़ी आक्रामक कलर है, जल्दी ये मिल नहीं रहा है, इतना इसका मतलब कि बुकिंग चल रहा है जल्दी जल्दी। चलिए फ़ोन का वीडियो अगर मेरा आपको पसंद पड़े तो लाइक से और कमेंट्स करना ना भूलें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। और रियलमी नार्जो 50A जो कि मार्केट में बहुत ही कम दिनों में काफ़ी लोगों के अंदर जो है वो जगह बना लिया है। और गाइस मैं इस फ़ोन को भी गिवे करने वाला हूँ, तो जल्दी से आप अपना फ़ोन उठाएं और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को ये मेरा फ़ोन मिल सकता है गिफ्ट के रूप में। चलिए मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पे अंत कर रहा हूँ।